आप तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना के वार्ड नंबर 11 की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आजाद उम्मीदवार कंचन मेहता अपने चुनाव प्रचार को तेज करती हुई नजर आ रही है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गोहाना के वार्ड नंबर 11 के वाल्मीकि बस्ती की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कंचन मेहता और उनके ससुर जो है वेद मेहता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और लगातार जो है इस चुनाव प्रचार को तेज कर रहे हैं। हमारे साथ कंचन मेहता है। कंचन जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। किस तरह के मुद्दे जो हैं अब वार्ड में उठ रहे हैं? वार्ड में जैसे कि सीवरेज की प्रॉब्लम, ये मुद्दा उठा है, स्त्रियों की सुरक्षा की प्रॉब्लम है लोगों को, और दूसरा है कि जैसे लोगों के पेंशन नहीं बनी है मतदान के लिए, अब वो जो आज की न्यू पीढ़ी है वो मतदान करना चाहती है बट उनके वोटर कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, जो ये नालियां हैं इनके ऊपर जालियां लगवाई गई थी वो सब तो कुछ टूट चुका है, लोगों को सड़कों की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप पार्षद बनते हैं तो क्या क्या लोगों के आपने वादे किए हैं? मैं लोगों से यही कहूंगी कि जो जिनकी पेंशन नहीं बनी उन्हें पेंशन बनवाई जाएगी, जो योजनाएं सरकार ला रही है वो हर बच्चे तक, हर महिला तक, हर वार्ड के वासियों तक पहुंचाई जाएगी। आप युवा हैं, महिला भी हैं, तो महिला और युवाओं के लिए क्या आप सोच रखा आपने? महिलाओं के लिए मैंने सोचा हुआ है कि पहले तो अपनी वार्ड की हर गली में कैमरा लगवाया जाएगा ताकि वो जितनी सुरक्षा घर में फील करती है वो बाहर निकले तो वो उतने ही कॉन्फिडेंस में बाहर निकले। दूसरा, उनके लिए एक ऐसा सेंटर बनवाया जाएगा जिसमें कि उन्हें सिलाई का काम या फिर पार्लर जैसे इस तरह के काम जो कि महिलाएं घर में रहती हैं उनको वो सिखाया जाए ताकि वो अपने घर पर भी रोजगार प्राप्त कर सके। विकास कार्यों की बात कर रहे हैं कि विकास कार्य कराए जाएंगे, तो पिछला जो पार्षद हैं अंजू कालरा जी, क्या उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं, क्या उन्होंने करा इस काम? जी उनके कार्य तो आप देख ही रहे हैं कि हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो लोग अपनी प्रॉब्लम रख रहे हैं, जैसे कि सीवरेज की प्रॉब्लम, सड़कों की प्रॉब्लम, लाइट्स की प्रॉब्लम है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं, और ये पेंशन्स नहीं बनी लोगों की, आवास योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिला उन्हें, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रखी है मेरे आगे और लोगों ने उनके द्वारा। तो आवास योजना के बारे में बताया गया है कि वो उन्होंने कहा कि हमने तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनवाए हैं। अब हर कोई अपने काम की तारीफ तो हर कोई करता है। ये हमारे साथ वेद मेहता जी हैं जो पूर्व में पार्षद, दो बार पार्षद रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी मेहता साहब, क्या क्या जो है मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, क्या क्या योजना आगे के लिए बनाई गई है? इन्होंने कुछ को छोड़कर बाकी सब के रोज के नज़रअंदाज हो रहे हैं, रोज उलाने आ रहे हैं कि हमारी आवास योजना नहीं बनाई, और वो जिसके किसी के पास हुआ था पास भी नहीं हुए, और वो ऐसे ऐसे रह रहे हैं, दो दो तीन तीन साल हो गए आज तक नहीं बना। तो ये आपकी पुत्र वधू पार्षद बनती है तो आगे की क्या रूपरेखा बनाई है? हमारा सबसे पहले ये अध्याय है पब्लिक की सुरक्षा, सुख शांति, ये सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सबसे पहले जो मेन मुद्दे हैं हमारे ये हैं, और जिसकी पेंशन है किसी की कुछ रिकवर, सारे सारे मुद्दे क्लियर करने हैं। तो आप वार्ड वासियों को क्या संदेश, क्या अपील करना चाहोगे? मैं लोगों से ये अपील करना, जैसे आप मेरे को दो बार ऐसे प्यार दिया है, ऐसे ऐसे हमारे को प्यार दे रहे हैं, और मैं आपसे अपील करता हूँ आने वाले 19 तारीख को सीढ़ी के निशान पर मोर लगाकर हमारे को कामयाब बनाएं, जिनकी आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। ये हमारे साथ वेद मेहता जी थे जो कि पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, और उनके द्वारा जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि वार्ड नंबर 11 में जो है विकास कार्य नहीं हुए हैं, जिसके कारण जो काफ़ी लोग परेशान हैं, और बार बार जो है वेद जी से आके लोग मिलते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे ये काम नहीं है, ये वो काम नहीं हुए हैं। और अब हमारी भी आप सभी से अपील है, तो सुनिए एक और वार्डवासी हैं जी, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो श्रीमान, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वोटर भाइयों को वोट देने की अपील ज़रूर करूंगा कि आप अपना मतदान अवश्य करें। अभी आपने एक सवाल किया था इनसे कि जो पूर्व में वार्ड की पार्षद रही उन्होंने क्या कार्य किए, वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ना मकान दिलाए हैं। अगर आप एक बात देखें कि वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल था वो सीधा खुलता था और सीधा ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको हुआ। अगर वो इतने सच्चे थे, इतने ही अच्छे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर वो विपक्ष का साथ कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप छल की राजनीति ना करें, दुष्ट राजनीति ना करें,
आप दूसरे वार्ड का वासी होके दूसरे वार्ड से चुनाव लड़े, इसलिए आपको 11 वार्ड से कोई मतलब ना होकर, क्योंकि 11 वार्ड के बारे में आपको पता ही कितना था। ये हमारे वेद प्रकाश मेहता जी हैं, 2 बार लगातार पूर्व में पार्षद रहे, घर घर जाके इन्होंने पेंशनों का कार्य किया, लाइट की व्यवस्था कराई, सीवरेज की व्यवस्था कराई, नाली की व्यवस्था कराई, गलियों की व्यवस्था कराई, परंतु उन्होंने तो कहीं जाकर देखा ही नहीं। अब मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि हम जहां भी इस कार्य को लेके जा रहे हैं कि जी आपके जो है ना वार्ड में क्या क्या कार्य पेंडिंग है, तो वो कहते हैं जी आगे उन्होंने देखा ही नहीं। गली की व्यवस्था हो, नालियों की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की, कोई भी तो नहीं किया। अगर वो इतने सत्यवादी थे तो भारतीय जनता पार्टी का दामन ना छोड़ के उन्होंने विपक्ष का साथ देना कबूल क्यों किया? या तो वो ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने काम अच्छे किए, मैंने काम साथ में अच्छे कराए। अगर ऐसा नहीं है, या तो वो उधर से झूठ बोल रहे हैं या फिर वो उधर से झूठ बोल रहे हैं। अब आप खुद देख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के विपक्ष का साथ दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किए, जनता ने उनको पूर्णतः नकार दिया है। और कंचन मेहता जी को जनता भरपूर सहयोग दे रही है, भरपूर प्यार दे रही है, और इनको आशीर्वाद रूप में वोट दे के इनको बहुत अधिक मतों से जो है ना जिताने का कार्य करेगी वार्ड की जनता। मैं भी इसी वार्ड का एक वोटर हूँ, मैं भी देखता हूँ कि जो है ना अपना गलियों की नालियों की बड़ी दयनीय स्थिति है। मैंने बहुत बार कंप्लेंट भी किया कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, जैसे पाइप दबवाने का काम किया तो उनको लिखित छुड़वा दिया गया। बहुत सारी ऐसी जो है ना कमज़ोर स्थितियां हैं, उन्होंने काम नहीं किए, सिर्फ एक मनगढ़ंत ढकोसले हैं जो हमेशा से करते आए हैं। हाँ, कंचन मेहता युवा हैं, शिक्षित हैं, और रोज़गार देने में भी, और इनका यही कहना है कि एक तो गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, दूसरा बच्चियों के लिए अपना ट्यूशन सेंटर खोलेंगे, सिलाई केंद्र खोलेंगे, ब्यूटी पार्लर वगैरह खोलेंगे। तो मैं जो है ना इसीलिए मैं इनके साथ लगा हूँ, और मैं इनका सहयोग करके और सभी वार्डवासियों से ये निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि 19 तारीख को मतदान वाले दिन अधिक से अधिक मतों का जो है ना आपने मतदान करना है और कंचन मेहता जी को उत्तीर्ण बनाना है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, भरपूर सहयोग जो है वार्डवासियों का की ओर से कंचन को मिल रहा है, ये कहना है उनका। और लगातार जो है हम ये जो भी घोहना नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आप सभी से अपील है कि देश अब तक को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एक मैं और बात करना चाहूँगा,